दोस्तों ये वाली वीडियोस देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मई का महीना ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं रहा, सेल्स काफ़ी डाउन रही। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली MPVs के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इस लिस्ट से एक गाड़ी इस महीने बाहर हो गई है जो है डैटसन गो प्लस। इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी है। बात करते हैं 9th पोजीशन पर आने वाली टोयोटा वेलफेयर के बारे में। टोयोटा वेलफेयर की मई के महीने में पूरे भारत में एक यूनिट बिकी है। इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, यानी इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल। ये केवल DCT ट्रांसमिशन में आती है। इसका माइलेज 16.35 KMPL क्लेम किया जाता है और एक्सशोरूम प्राइस 87,01,000 रुपये से शुरू होती है। 8th पोजीशन पर आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी की मई के महीने में पूरे भारत में 20 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी। इस गाड़ी का माइलेज 11-13 KMPL क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 16,53,000 रुपये से शुरू होकर के 24,60,000 रुपये तक जाती है। 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा मराजो। इस गाड़ी की 60 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.33 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 12,03,000 रुपये से शुरू होकर के 14,12,000 रुपये तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है किया कार्निवल। किया की तरफ से आने वाली इस MPV के मई के महीने में पूरे भारत में 146 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 13.9 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 24,95,000 रुपये से और 33,95,000 रुपये तक जाती है। 5th पोजीशन पर आई है रेनो की ट्राइबर। इस गाड़ी के मई के महीने में पूरे भारत में 524 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 18.29-19 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। हाल ही में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है, यानी कि ये भी अब भारत की सबसे सेफ कारों में शुमार हो गई है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 5,48,000 रुपये से शुरू होकर के 7,95,000 रुपये तक जाती है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की XL6। मारुति के नेक्सा शोरूम से बेची जाने वाली XL6 की मई 2021 में पूरे भारत के अंदर 782 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशंस में 17.992-19.01 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 9,92,000 रुपये से शुरू होकर के 11,70,000 रुपये तक जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की वैन सेगमेंट की गाड़ी ईको। मई 2021 में मारुति सुजुकी ईको के 1,096 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.11-30.47 किलोमीटर पर KG का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 4,08,000 रुपये से शुरू होती है और 5,29,000 रुपये तक जाती है। 2nd हाईएस्ट सेलिंग MPV है मई 2021 की मारुति सुजुकी अर्टिगा। मारुति सुजुकी अर्टिगा के 2,694 यूनिट्स बिके हैं मई 2021 में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.99-26.2 किलोमीटर पर KG का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 7,78,000 रुपये से शुरू होती है और 10,56,000 रुपये तक जाती है। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है SUV कम MUV महिंद्रा बुलेरो, जिसके मई 2021 में पूरे भारत के अंदर 3,517 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 8,42,000 रुपये से शुरू होकर के 9,41,000 रुपये तक जाती है। इससे पहले हम आपके लिए टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट SUVs और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपनी स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।